उनको पेमेंट नहीं हुआ, ये हालात हो गए हैं रिम्स की। लिफ्ट में दुर्घटना हो जा रही है, स्ट्रेचर नहीं मिल रहा, खून नहीं मिल रहा, तो कहे का व्यवस्था, इतना करोड़ों रुपए सरकार बर्बाद कर रही। भाई आप एक अस्पताल नहीं चला पा रहे हो, क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ उद्घाटन करने के लिए है। एक रिम्स, एक सदर अस्पताल रोजाना मीडिया इंगित करता है भैया पूरे झारखंड से लोग आते हैं, इवन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से भी, बंगाल से भी लोग रिम्स आते हैं, सेवा नहीं मिल रही, स्थिति इतनी बस से बदतर हो गई है। तो स्वास्थ्य मंत्री गंभीर नहीं है, और 6 तारीख को जो रिम्स सासी की बैठक हो रही है, वो रेगुलर एजेंडा आता, आप हाँ जी पास का ये कर चले, नहीं नहीं चले। और रिम्स की बैठक में, शासी परिषद की बैठक में आप निर्णय लो कि हम गरीबों की सेवा करेंगे, रिम्स पूरी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करेगा। खाली एजेंडा पास कराने से शासी परिषद की बैठक नहीं हो जाती है, ये शासी परिषद केवल साइन करने के लिए नहीं है। और इस 6 तारीख को मैं जोरदार आवाज उठाऊंगा गरीबों के लिए, कहां जाएगा गरीब बेचारा? प्राइवेट हॉस्पिटल मालेमाल हो रहे हैं, चलो वो काम भी कर रहे हैं, वो सेवा भी दे रहे हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा? वो तो सीधे यमराज के पास तो सीधे जाएगा, क्या करेगा? हालात इतने खराब हो गए। और मेरा तो एक प्रस्ताव है कि अभी जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है झारखंड के अंदर, तो पल्स जो हॉस्पिटल है, अब पता नहीं ईडी तो अटैच करने जा रहा है उसको, सरकार अपने अंडर में ले ले और किसी स्वयंसेवी संगठन को दे दे चलाए, कम से उसी के माध्यम से सेवा मिल जाए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है पल्स हॉस्पिटल, वो तो गरीबों का पैसा लूट के बनाया गया है, वो तो घोटाले का पैसा उसमें लगा है। तो मेरा तो ईडी से यही निवेदन है कि उसको आप अटैच कर लो, किंतु उसको हॉस्पिटल चलने दो। हॉस्पिटल बन गया है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी मशीनरी है, तो उसको किसी ऐसी रामकृष्ण मिशन को दे दो, किसी ऐसी संस्था को दे दो जो हॉस्पिटल चला है और वो गरीबों की सेवा करे। ये एक मेरा प्रस्ताव था। और अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।